नागपुर महानगर पालिका की ओर से शहर विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पालिका क्षेत्र में जगह दी जाती है, वहां वे अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। ऐसी कुछ जगह लक्ष्मी नगर जोन में दी गई थी, मगर शुक्रवार को लक्ष्मी नगर जोन के अतिक्रमण विभाग ने इन विकलांगों की दुकानों पर ही अतिक्रमण कर दिया। इस अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध विकलांग संगठनों ने किया। उनका कहना था कि जगह मनपा ने दी है और अतिक्रमण भी वही कर रहे हैं। अतिक्रमण का विरोध करने आए संगठनों के लोग और अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई। इसी कारण कुछ समय के लिए वहां का वातावरण गर्मा गया था। पिछले 12 साल से विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति द्वारा दिव्यांगों की दुकानों को दुकान मिलना चाहिए, यह हमारा आंदोलन चल रहा है, आज भी जारी है। क्योंकि जैसा मोची शेड जैसा दिया गया है कॉरपोरेशन ने, वैसे ही जैसे कॉरपोरेशन के बस स्टॉप जो है पूरे फुटपाथ पर ही देखे जाते हैं। ये कोई 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 किसी की जगह पे नहीं है, शासकीय जगह पे दुकानें है, मदर डेयरी भी फुटपाथ पर ही है। तो उसी तर्ज पर विकलांगों को दुकानें दी जाए, ये हमारी पिछले 12 साल से मांगे चल रही है। उसके अंतर्गत कई आंदोलन हो चुके हैं, अधिकारियों ने सही हो झूठे आश्वासन जो भी दे चुके हैं, लेकिन दिव्यांगों को जो दुकानें मजबूरी में, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में कॉरपोरेशन ने खुद दिव्यांगों को दुकान देने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। ये देखो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि दिव्यांगों को व्यवसाय स्टॉल देने के बाबत जो भी लिखा है वो साफ सुथरे शब्दों में लिखा है। उसके अंतर्गत सभी दिव्यांगों ने व्यवसाय स्टॉल जो देख रहे हैं आप, तो इसके लिए अर्ज किए थे, तो ये कॉरपोरेशन की जवाबदारी।